वो है कि नहीं, आजकल एक बाबा जी का चल रहा है ना, कहेंगे बार कार्ड, क्या बार कार्ड कहेंगे? भोपालगढ़ के अंदर तो ये भाषण देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपने तो ऑलरेडी मेरा मुझे विधायक दे रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं भोपालगढ़ मेहरता की जनता को कि हनुमान बेनीवाल को अगर इस देश में मजबूत किया तो उसमें भोपालगढ़ मेहरता का उतना ही योगदान है जितना खीवसर का योगदान है कि तीन लोगों ने मिलकर मुझे मजबूती दी। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर से लेकर सीकर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, तमाम उन इलाकों का जिन्होंने 18 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दी। उसी का परिणाम है कि हम मजबूती के साथ आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। लंबी पॉलिटिकल बातें होगी, कुछ मैं इस विषय पर आता हूं, तेजाजी महाराज के मंदिर पर, जो तेजाजी महाराज के मंदिर का कार्यक्रम हमारे यहाँ संत उपस्थित भीरमनाथ जी महाराज, एक मिनट आओ, प्रेम भाई साहब, पुखराज जी घर के एमएलए साहब, भाई राजू राम जी खोजा तो हमारे साथ ही रामदीन जी, और हमारे यहाँ के सरपंच साहब सुरताराम जी, में हमारे पुराने मित्र है सरपंच साहब, मजबूत आदमी है, और जो 24 साहब के खेड़ा है यहाँ पे 21 खेड़ा के अध्यक्ष जी रुगनाथ जी, बांबू साहब और थोरी साहब, तमाम जो टीम हमारी तेजा समिति, तमाम भामाशाह जिन्होंने एक रुपए से लेके और लाखों रुपए बोली के अंदर दिए, तेजाजी का मंदिर बनाया, और पूरी तेजाजी की समिति को, सरपंच साहब को इस बात का धन्यवाद कि जेडीए की जमीन के अंदर आपने शुरुआत की, बाउंड्री भी बनाई, और पुखराज जी को धन्यवाद कि मेरे इशारे से ही 20 लाख की करी ना घोषणा, 20 लाख की घोषणा करी और 51,000 रुपये उन्होंने अपने जेब से और दिए। मैं भी जब आया हूँ तो मैं ऐसे कैसे जाऊँगा बताओ आप मुझे, जब तेजाजी के सब जयकारे में ही लगाता हूँ, तो पुखराज जी 20 लाख लगाएंगे, पड़ोसी सांसद हूँ आपका, 10 लाख रुपये मेरे MP कोटे से भी जोधपुर के साड़वा के अंदर पुखराज जी बता देंगे, समिति बता देगी, हम यहाँ करा देंगे, और 1 लाख रुपए मेरी तरफ से मैंने जो सहयोग था वो भी दिया है। आगे भी हमें खाली मंदिर बना के और मेले करने से काम नहीं चलेगा, मंदिर बना के मेले भरवा के, और जिस तरह तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी उनके इतिहास के अनुरूप हमें चलना है। हम रक्षक के रूप में चलेंगे, जितने भी पीड़ित कौमें हैं चाहे कोई सी भी हो, और जो भी पीड़ित है चाहे जाति उसकी किसी कोई भी हो, हमारा धर्म है कि पीड़ित को न्याय दिलाए, एक रक्षक के रूप में हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है और आगे आना है। यह संदेश साड़वा की धरती से हमें पूरे राजस्थान के अंदर देना है। अष्ट धातु की जो मूर्ति बना के आपने लायर में ऊपर गया जब देखा, एक तो मारवाड़ मुंडवा के अंदर अष्ट धातु की मूर्ति है जो 1998 के अंदर मेरे फादर थे, हमारे भंवर सिंह जी थे मेड़ता से, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ करता था, तेजा स्त्री जो है वहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति लगाई पुखराज जी। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर किसी गांव में मैंने अष्ट धातु की मूर्ति देखी वो साड़वा है, जिसके अंदर इतनी महंगी अष्ट धातु की मूर्ति बना के आप सब लोगों ने साड़वा के साथ साथ आसपास के तमाम गाँव से हमने सहयोग लिया था ना सब लोगों, क्या अपना अपना गाँव का साड़वा गाँव का है आज लोगों ने जरूर सेव किया। अब धगड़ा ने भेड़ा ले लो, एक लगाई करो दो, तेजाजी महाराज सब गए ले लो आड़ पाड़ सब, जबरदस्ती किसे लो मत, आवेदन ले लेना, तभी देखिए जितना सहयोग अपन लेंगे लोगों का उतनी आस्था बढ़ेगी, उतना ही बड़ा मेला भरेगा। आज जब मैं आया और जो जुनून देखा, आप जो खरनाल के मेले से लगभग बड़ा मेला कर दिया साड़वा के अंदर, इतना बड़ा मेला साड़वा में, इतना जोश और जुनून, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं तेजाजी महाराज खरनाल से चल के साड़वा तो नहीं आ गए, आप लोगों ने इतना अच्छा करा। अब हमें खरनाल के अंदर भी मंदिर जल्दी से बनाना है, मंदिर तो बनाने की कोशिश करें, बीच में हमारी राजनीतिक पार्टियां आ जाती है, दुनिया भर के चोरों ने पैसे कमा रखे हैं, बोले हम राजस्थान में स्थापित होना चाहते हैं, पैसे ले लो मंदिर बना दो हम आ जाए, उनका भी ध्यान रखना हमारे। बड़ी मुश्किल से झंडा छुड़ाया मैंने, झंडा हम लेके चलते थे, लोक दल, जनता दल, फला, डिमका, उनका नेता होता था उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का,
कोई दिल्ली का, और ऐसे ठग होते थे कि स्विच ऑफ कर लेते थे ठगी करके। भाइयों ये झंडा जो आपको दिया है, झंडा भी दिया है और डंडा भी दिया है साथ में, झंडा भी रखना है डंडा भी रखना है। हाँ मंदिर में सहयोग ले लो, कोई दिक्कत नहीं हरियाणा यूपी वालों का, लेकिन वोट एक भी नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना। ये मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलते, हमारे भोले भाले लोग हैं, अब क्या करें, हम तो भोले हैं ना, कोई भी बरगला के ले जाता गाड़ी में बिठा लो, चलो चलो किराया ले, वहाँ हो जाता गड़बड़। लेकिन फिर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठगों का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ठगी करने कौन आया है और कौन अपनी आस्था से आया। इस देश के अंदर हमारे समाज के लाखों लोग हैं, सबसे ज्यादा साधन संसाधन हमारे समाज के पास वेस्टर्न यूपी दिल्ली हरियाणा के अंदर है, वो लोग हर जगह सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन जो ठग है उनका नंबर नहीं आने देते, ठग आगे ही खड़े रहते हैं। आप सब एक एक चीज जानते हो, हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर किस तरह हमारे 50 से ज्यादा बच्चों के सीने पे गोलियां मारी गई, कौन था गोली मारने वाला, खट्टर और बीजेपी, और बीजेपी की सरकार कौन चला रहा है हरियाणा के अंदर, किसके सहयोग से चल रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। हमारे बच्चों के सीने पे जिन्होंने गोलियां मारी उनकी सरकार को समर्थन देने वाले कभी हमारे नहीं हो सकते। पैसा तो हाथ का मेल होता है, पैसा तो घने लोगों के पास बैठे हैं, जोधपुर जयपुर के अंदर एक एक आदमी 5-5 हजार करोड़ का, तो क्या सारा समाज और बोर्ड उनको दे देंगे क्या, अपन दे देंगे पैसे वालों को। उन ठगों से काम निकालो और उनके लाद दो और उनको भगाओ यहां से। हमें राजस्थान देखिए, किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया और अग्निपथ का जो जवानों का आंदोलन देश के अंदर, इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, वो मारवाड़ का जवान करेगा, जोधपुर का जवान करेगा। इस बात को मजबूती से हमें लेना है। भाइयों आने वाला समय आपका है, आप जोश के अंदर थोड़ा सा होश रखें। मैं देखता हूं गाड़ियां चलती है ना, तो लड़के इतना तेजी से गाड़ियां निकालते, मेरे से आगे जाना चाहते, हनुमान जी से आगे चले जाए, मेरे से आगे तो कहां जाओगे बताओ मुझे, अंधेरा आ गया, मेरे से आगे मत जाओ, मेरे को फॉलो करो। लोग कहते हैं हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मुझे बताओ किसी एक बच्चे को बिगाड़ा जोधपुर के अंदर, कभी कहा जमीन पर कब्जा करो, कभी कहा क्या दारू का काम करो, डोडों का काम करो। हमारे समाज में तो पहले दारू के काम करने वाले जो साइकिल की ट्यूब में दारू बेचा करते थे वो तो अध्यक्ष बन गए समाज के अंदर। आप बताओ जो लोग, सुनो जिन लोगों ने समाज के नाम की ठगी करी एमएलए एमपी बन गए, अता पता ही नहीं बच्चे कहाँ चले गए। हनुमान जी ऐसे, अरे मैं नहीं कहता कभी किसी का नाम लेके, लेकिन हम अगर समाज की बात करेंगे, समाज की ठेकेदारी कोई करेगा, रुको समाज की ठेकेदारी कोई करेगा तो उसे समाज के अंदर ही रहना पड़ेगा। 3-4 समाजों में कोई रहके समाज की ठेकेदारी नहीं कर सकता, उसको लोग कह देंगे आपने घर बैठो मैं अपना पंचायती कर लूं, चल घर है। तो, वो है कि नहीं, आजकल एक बाबा जी का चल रहा ना, कहीं गया बार कार्ड, क्या है बार कार्ड कहीं गया यार, अब एक बार पता नहीं कहां कहां से लाते हो तुम लोग। भाई बाबा जी मान नागौर वो भी क्या पुराने मेरे पास बैठते थे, सुनो तो बाबा जी मान लो कैसे असर आएगा मांग माए चलो लेकिन गाय की सेवा करना अच्छी बात है। इस देश को तो पता नहीं किन किन लोगों ने ठग लिया, कोई विजय माल्या आया तो कोई मोदी आया तो कोई दूसरा उसका भाई दूसरा आया, वो लेके भाग गए, काला दिन वापिस आया क्या देश के अंदर, नहीं आया। कोई व्यक्ति अगर गाय की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम से काम कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, अच्छी बात है ना। दूसरा काम तो ठगी कर भाग गए लोग, बढ़िया अच्छी बात है। अपने को इन चीजों का ध्यान रखना, बस एक चीज का जवानों को ध्यान रखना है कि नशे की प्रवृत्ति को छोड़ना है, जोश में होश रखना है। वैसे जहां मैं खड़ा हूं ये राजस्थान का सबसे समझदार इलाके में एक है, कांग्रेस की सरकार थी शायद उस समय, मदेना साहब भी मंत्री थे ना, लेवी का जब चला था लेवी के समय, परसा मदेना मंत्री थे लेवी कांड जब हुआ था, भाई कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार के अंदर यहां साड़वा के लोगों ने परसाम जी को कहा कि लेवी कैसे लग गई, उनका मैं ठीक है बात करूंगा देख लूंगा, उन्होंने तो देखा नहीं, इनका आप मत देखो हम खुद ही देख लेंगे, लाठी लेकर भोपालगढ़ के अंदर निकल पड़े, सरकार से दो दो हाथ किए और 3 लोगों ने शहादत दी और दूसरे दिन सरकार को लेवी वापस लेनी पड़ी। ये मजबूत धरती है, वीर धरती है,
अभी लोग कह रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं। अरे मैंने कहा जब लेवी का आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी तो बनी 1980 के अंदर है। लेवी का कब हुआ पुखराजी आंदोलन? अरसन कौन सा था लगभग? तो 70 पर बीजेपी का तो पैदा ही नहीं हुई बेचारी, 80 में पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी। तो 80 में आई थी बीजेपी, पहले 2 MP ठिल्डीज था, 2 जना, 2 बनता लोगों का कड़ा एक हाथ अट्रैक्ट कड़ा एनडीए कड़ा फला ढिमका कड़ा मन पकड़ियो कड़ा इन पकड़ियो कुणा की छाछ कुणा का चावल कर कुरार बेचारा आपको काम काटियो पूरा ठीक है। अब कांग्रेस में पप्पू रहे होगा जना काम चल रही है, पप्पू भारत जोड़ो यात्रा कर रहा आप देख लो आप। हाँ, और पप्पू भारत जोड़े कई अपना लार लागा अड़ नहीं जुड़िया तो जम्मू कश्मीर की इपरा हिमाचल की फोटो खिंचा क्या थे भारत जोड़ो कि नहीं जोड़ो, मैं था के जुड़ा पक्का। ऐसे क्या जुड़ जाओगे जबरदस्ती के गले पड़ना। अब है लोगों का